नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मोदी सरकार द्वारा पीओके पर तैयार नीति अब अपने परिणाम की तरफ बढ़ रही है। कल पीओके में वह हुआ जिससे भारत की आशाएं जगने लगी है। पूरे पाक अधिकृत कश्मीर में तमाम डॉक्टर एसोसिएशन ने यहां पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन डॉक्टर ने न सिर्फ हड़ताल का ऐलान कर दिया बल्कि पाकिस्तान की ज्यादतियों और इस इलाके के खिलाफ पाक द्वारा किए जा रहे भेदभाव की पोल भी खोल दी है। बड़ी बात यह है कि पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने यहां फौज उतारने के संकेत दे दिए हैं, यानी बलबचोर फौज एक बार फिर से दमनकारी नीति का सहारा लेने जा रही है। कल तमाम चिकित्सा कर्मियों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा जुलूस निकाला है। इस जुलूस में भारत जिंदाबाद तक के नारे लगाए गए। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अब वे किसी मरीज का इलाज तक नहीं करेंगे। इस हड़ताल की मुख्य वजह पाकिस्तान द्वारा उनके साथ किया जा रहा सौतेला व्यवहार माना जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि पाकिस्तान जानबूझकर उनका जीवन मुश्किल में डाल रहा है। कोविड-19 से बचने के लिए उनकी सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया गया। उनके पास न मास्क है और न पीपीई किटें हैं। उनको जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस से सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को 10 जून तक की मोहलत दी थी, मगर अब वह टाइम ओवर हो चुका है। उन्होंने अपनी लड़ाई सड़क पर लड़ने का फैसला किया है। पीओके से हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स के पास आया यह वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि भारत के हिस्से में हालात कितने खराब हैं। इससे पहले कि इस विश्लेषण को आगे बढ़ाए, 1.5 मिनट का यह वीडियो देखना जरूरी है। इस वीडियो से न केवल बाजवा इमरान की चालबाजियों का पर्दाफाश होता है बल्कि यह भी जग जाहिर होता है कि पीओके की हालत आज कितनी बदतर और अशांत है। ऊपर से पाक फौज के सितम ने यहाँ कितनी जिंदगी बर्बाद की है। हमारा जो मेन मुतालबा है वो यह है कि पाकिस्तान और दीगर सूबों की बराबर हमें मराद दी जाएं। हमारे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में MRI सिटी स्कैन का जो प्रॉब्लम है, सिर्फ टर्शी केयर लेवल के जो हमारे हॉस्पिटल हैं इवन वहाँ पर भी सिटी स्कैन MRI की सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान में या दीगर सूबों में THQ लेवल पे भी वो सहूलतें दस्तयाब हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर के हमारे हकूक हैं, जो मरात हैं, वो पाकिस्तान के बराबर हों, और इसी तरह जो हमारे मरीज़ यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं, जो गरीब गुरबा मरीज़, उनके लिए रेफरल बहुत ही मुश्किल काम है, वो सहूलतें जो पंजाब में दस्तयाब हैं। हम कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमेरिका की सहूलतें नहीं मांग रहे, हम पंजाब की सहूलतें मांग रहे हैं, हम फेडरल की सहूलतें मांग रहे हैं। हमारे मरीजों को, हमारे आवाम को वही सहूलतें आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो यहाँ आज़ाद कश्मीर में फराहम करे। हमने पहले ही अनाउंस किया था कि 10 तारीख तक हम टोकन स्ट्राइक करेंगे। हम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एमरजेंसी को छोड़ के तमाम सर्विसेज विड्रॉ करेंगे 2 घंटे के लिए, और अगर इस दौरान हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो 10 तारीख के बाद हम सिर्फ एमरजेंसी को छोड़ के तमाम सर्विसेज से बाइकआउट करेंगे, चाहे वो COVID-19 से रिलेटेड ही क्यों ना हो। जहां तक आपने प्राइम मिनिस्टर वाली बात पूछी, तो बिल्कुल कल हमारी रैली निकल रही थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर बीच में आके रुके, उन्होंने हमसे बात की और हमें मुलाकात की और टेबल टॉक की दावत दी, लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक ऑफिशियली या किसी भी और फॉरम से हमें अप्रोच नहीं किया गया। पूरी दुनिया इस पेंडेमिक का शिकार है, तो हमारी प्रेफरेंस भी हर उस डॉक्टर की तरह ये है कि इस वक्त हम अस्पतालों में अपना काम खुश उसलूबी से अंजाम दें, लेकिन बड़ी बदकिस्मती और बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें बहुत ही ज़्यादा मजबूरी के आलम में हम आज सड़कों की खाक छान रहे हैं, क्योंकि पिछले बहुत वक्त से हम हुकूमत को अपनी डिमांड्स पेश कर रहे थे और पिछले 20-22 दिन से हम ब्लैक रिबन बांध के एहतजाज करते रहे, पुरअमन तौर पर मरीजों का इलाज करते रहे, अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। ये बिल्कुल भी हमारी प्रेफरेंस नहीं है कि हम यहाँ सड़कों पर आएँ, लेकिन हमें मजबूर किया गया है हुकूमत की तरफ से।